ये पहली किक में स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो के अंदर आपको गाड़ी नज़र नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर ही गाड़ी दिखा देता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ, और मैंने स्टार्टिंग के अंदर वीडियो बनाई थी जब मैंने ये चैनल न्यू स्टार्ट किया था, उसके अंदर मैंने दिखाया था कि हमारे पास एक वेस्पा खड़ा है 1983 मॉडल का। तो आज मैं उसको ही लेने जा रहा हूँ, वैसे भी मानसून का मौसम है और ला के तो थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं। वैसे मैं बाइक लवर नहीं हूँ, ना मुझे कोई इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से बाइक चलानी आती है, पर वो एक वाहिद सवारी है जो कि मुझे मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उसको चला के, और थोड़ा बहुत चला ही लेता हूँ, इतनी परफेक्शन उसके अंदर भी नहीं है। उसको लेके आते हैं और ला के उसका ऑयल वगैरह चेंज करवाते हैं, और साथ में उसका जो छोटा मोटा काम है मीटर उसको ऑन करवाना था, मीटर की तार टूटी थी वो करवाते हैं, और आपको भी उसकी जो राइड है वो इंजॉय करवाती है। गाड़ी पर नहीं मैं जा रहा क्योंकि चला तो मैं जाऊंगा, और वापसी जो है रोड ख़राब है और कुछ ब्रेकर्स वगैरह वहाँ ये गाड़ी नीचे बहुत ज़्यादा लगती है, नहीं चाहते ये गाड़ी नीचे लगे, इसलिए मैं बाइक पर जा रहा हूँ और वापसी पर वो स्कूटर लेके आता हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ कि वो उसकी कंडीशन क्या है और वो किस तरह की सवारी। Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid. तो जी ये है वो सवारी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। एक दफ़ा मैं आपको पूरी दिखा दूं। मैंने भी वैसे इसको स्टार्ट कर लिया, घर से निकाल के लाए हूँ, इतनी मुश्किल से स्टार्ट नहीं हुआ, वैसे चार पांच किक के बाद जो था ना इजीली स्टार्ट हो गया था। अब मैं इसके अंदर पेट्रोल में लेके आया हूँ, वो मैं इसके अंदर डालता हूँ और फिर इसको लेके चलता हूँ। इसका काम क्या होने वाला है वो मैं आपको जल्दी से बता दूँ। इसकी ये मीटर की जो वायर है ये ख़राब है, बाकी सर्विस वगैरह होने वाला है। उसके अलावा इसका ये वाला बटन नहीं काम कर रहा जिसके साथ ये ऑफ होता है, इंजन ऑफ होता है, वो नहीं काम कर रहा, और बाकी छोटा मोटा काम और ऑयल चेंज इसका करवाना है। इसके पीछे ये जो इसका ये लगी हुई है ये चीज़ उतवारनी है, यहाँ इसकी दुमची एक लगती है, इसको ये बड़ी खूबसूरत लगती है, ये तो इसके साथ बड़ी लुक इसकी ख़राब हुई हुई है, वो इसको लगवानी है। बाकी इसके पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो इसको बस अब स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये पहली किक में स्टार्ट हुआ है, बस ये वाला बटन काम नहीं कर रहा जिसके साथ इंजन ऑफ होता है, ये भी जाके चेक करवाते हैं। अभी इसको गियर के अंदर करके इसको ऑफ करते हैं, और इसके अंदर जो है पेट्रोल कर डालते हैं, फ्यूल टैंक ओपन करते हैं, पेट्रोल अंदर थोड़ा ही है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। 500 का मैं पेट्रोल ले आया था, और साथ में इसके अंदर इंजन ऑयल भी डलता है और फ्यूल के साथ साथ, तो इसलिए 500 का पूरा करवाया और इसके अंदर ऑयल डलवाया। अब ये सारे का सारा जो था पेट्रोल है इसकी फ्यू इसकी टैंक में डालते हैं, बस अब गिरे ना। पाँच सौ के तेल के साथ बना तो इसका कुछ भी नहीं, पर खैर जितना मुझे अभी इसको लेके जाने उसके लिए बहुत है। इसको ऑफ करते हैं, और इसका कॉक जोन है इसको, ये भी रिज़र्व पर है, इसको ऑन पर कर देते हैं, चलें पता तो चले ना कि इसकी रिज़र्व भी ख़त्म हुई है कि नहीं। इसको चलाते हैं और इसको ले कर चलते हैं, और मौसम आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत हुआ हुआ है। और मेरा मिशन ये है कि इसको रात से पहले पहले लेके जाना है, क्योंकि इसकी लाइट जोन ये 6 वोल्ट का होता है, तो इसकी लाइट जो होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ना होने के बराबर होती है इसकी। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी लाइट जो है वो बहुत ही कम होती है, तो इसलिए अंधेरा होने से पहले पहले, मगरिब की अजानें बस हो ही रही हैं, तो अब मैंने अंधेरा होने से पहले पहले इसको जो है शहर ले कर जाना है, इतना दूर नहीं है, पर खैर चलते हैं। many minutes later. तो निकलते निकलते मुझे अंधेरा हो ही गया है, तो अब इंशाल्लाह घर जाके आपको मिलते हैं। The next day. तो कल मैं वेस्पा ले आया था, पीछे आप देख सकते हैं अभी अपने कपड़े।
कपड़े के नीचे आराम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों के अंदर फिर मैं इसके ऊपर जाऊंगा और जाके इसका जो भी काम होने वाला है, इसको ऑयल चेंज करवाना है और मीटर की जो भी इसका काम होने वाला है वो करवाऊंगा। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज, इसलिए आज नहीं जाके जा, तो आने वाले दिनों के अंदर जब मौसम थोड़ा बेहतर होगा, वो बारिश वाला होता है वह सीन, तो मौसम खुशगवार होता है तो फिर इसको निकालेंगे। अदरवाइज़ तो गर्मी के अंदर हिम्मत नहीं होती इसको चलाने की। तभी मैंने आके इसी तरह खड़ा कर दिया और मैंने चलाया नहीं है। सिर्फ उसकी वजह यह है कि इसका ऑयल नहीं चेंज, ऑयल इसका लास्ट टाइम 6 साल पहले चेंज करवाया था, और ये तो नहीं कि चेंज करवा के खड़ा किया था, चला ज़रा भी नहीं है, पर फिर भी इतनी देर ऑयल हो गया, ऑयल एक्सपायर हो गया, ऑयल की जो भी कॉस्टली है वो ख़त्म हो गई हुई है। तो इसलिए उनसे ना अभी इसको चलाना जो उनसे ना वो मुझे इस तरह ही लगता है कि जिस तरह मैं ख़राब कर रहा हूँ चीज़। अगर मुझे खुद चेंज करना था होता ऑयल तो मैंने इसको वहाँ से चेंज करके ही बाहर निकालना था। खैर जो भी, अब इसको ऑयल चेंज करवाते हैं, इसकी ट्यूनिंग करवाते हैं, जो भी छोटा मोटा काम अभी होने वाला है। मैंने देखा था इसके अंदर इसका वो मीटर नहीं चल रहा, इसकी वायरिंग का थोड़ा इशू है, लाइट वगैरह का इशू है, हॉर्न लाइट कभी कभी बीच में बंद हो जाती है, वो इसको सेट करवाना है। और देखेंगे फिर कि इसके ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ मैं बनाऊँगा और आपको इसकी जो राइड है वो प्रॉपर तरीके से इंजॉय करवाऊंगा। तो आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।